चंडीगढ़ च 43 डिग्री सैल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा मौसम विभाग वालों और इन्ने तापमान दे विच एक कुड़ियां शिखर दुपहरे PGI दे विच धरने ते बैठिया ने और प्रशासन वालों डायरेक्टर इतों के कोल भी लंघे आ उन्होंने पिछे मुड़ के तक नहीं देखिया। इंडिया में आज सब जगह बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पहले लड़कियों को लाते हैं, उनको बॉन्ड कर देते हैं, ना उनको कहीं जाने के लिए लाइक छोड़ते हैं और अब अगर जॉब देने से भी हमें ये मना कर रहे हैं। अभी मान लो जो तुम्हारी मांग जी कर रहे हो नहीं मानते प्रशासन, की प्लान आगे? सर अभी तो हम लड़ने का ही प्लान है, किस रूप से होगा प्रोटेस्ट? सर ऐसे ही हम लोग जिस भी तरह से हम जैसे आज बैठे अगर हमें कंटिन्यू भी करना पड़े, वीकली करना पड़े, एक पर्टिकुलर इंटरवल में करना पड़े तो हम करेंगे। नी फुलां वरगियो कुड़ियो नी चो बाजार दियो कुड़ियो करो कोई जानदा हिला नी तिल तिल मर दियो कुड़ियो। सत श्री अकाल दोस्तों, समय की आवाज़ रेडियो स्पाइस से मैं करम सिखा तुहाडा स्वागत करदा। दोस्तों पंजाब ते चंडीगढ़ दीआं सड़कां ते आए दिन नौजवान धरने मारदे आ, नारे मारदे आ, लखां रुपए पढ़ाई ते खर्च करके और अपनी जिंदगी दे 15 तो 20 साल कॉलेजां दे विच लगा के जदों नौकरी लैण लई आउंदे आ, मार्केट दे विच आउंदे आपां कह लईए तां उहनां नूं जवाब मिलदा नहीं और इसे करके पंजाब दीआं सड़कां ते आए दिन जिहड़े नौजवान ने धरने मार रहे आ। हालांकि ये पिछे बड़ा रोल आ जिहड़ा प्राइवेटाइजेशन का भी आ, क्योंकि जिन्ने सरकारी अदारे सी उन्हां विच न्यू लिबरल पॉलिसी जदों दी लागू हुई है, जदों तो नवीं आर्थिक नीतियां लागू हुई ने उदों तो सारे सरकारी अदारे च नौकरियां खत्म दे समान ने, नवीं भर्तियां नहीं हो रही। अज मसला आया चंडीगढ़ PGI दे विच, वो कुड़ियां जिहड़ियां इत्थे नर्सिंग करदियां ने बॉन्ड भी इन्हां तों भरवाए गए आ कि नौकरी दित्ती जाऊगी PGI दे विच ही। इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट क्लीयर किया, लखां रुपए पढ़ाई से खर्च किए, अज धरना मार के बैठे ने। आप गल करते हैं कि की मजबूरी बनी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है जी अपना? मेरा नाम तरनप्रीत है ते मैं नर्सिंग कॉलेज तो ही पास आउट स्टूडेंट है। पिछले साल साड़ी डिग्री कंप्लीट हो गई सी, नवंबर विच रिजल्ट आया। अच्छा, की वजह रही है भी इन्ने स्टूडेंट है जिहड़े अज धरना मार के बैठे है, जिहड़ी संस्था ने उन्हां नूं पढ़ाया उस संस्था के खिलाफ धरना ला के बैठे है? सर एक्चुअली 2018 जब साड़ी एडमिशन हुई सी उदो PGI ने खुद साढ़े तो एक बॉन्ड बनवाया सी, उदे विच सिगा कि तुसी 4 साल अपनी कोर्स तो बाद जे PGI विच सीटा होणगियां, जो कि सबनों पता है कि बहुत शॉर्टेज है, 15-15 सीट की वैकेंसीज है, उदे विच बॉन्ड विच है कि इफ देर विल बी नीड फॉर स्टाफ तो वह सानू प्रायोरिटी बेसिस से जेडे इन्हों अपने पढ़ाए हुए बच्चे हैं सेम PGI तो ही पढ़े ने उन्होंने ये प्रायोरिटी देकर रखेंगे। तो यह जो है इन्हों का प्रोटोकॉल ये लास्ट 30 ईयर्स तो फॉलो हो रहा है, 30 ईयर्स तो साडा कॉलेज चल रहा है, हर साल जो पास आउट बैच होंगे वो जनवरी में ही उन्होंने रिक्रूट कर लिया जाता है। बट हूँ साढ़े नाल की किया इन्होंने कि 6 मंथ साडा नवंबर कल साडा बॉन्ड एक्सपायर होने वाला है तो हूँ तक 6 मंथ तो असं इन्हों के हर दूजे तीजे दिन इन्हों रेगूलर असं चक्कर कटे हैं, डायरेक्टर मिले हैं, MS ऑफिस हर जगह अं गए हैं। इन्होंने सानू आही किया कि थोड़ा जॉब का जो प्रोसैस फाइल है वो प्रोसैस में है कि असं थोड़ा जॉब देनी ही देनी है। 6 महीने तक इन्होंने सानू इसी लारे में रखिया, फॉल्स प्रोमिस करे, सानू रीअश्योरेंसिस दी कि थोड़ा बॉन्ड है, तुम ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। फरवरी च असीं गल कीती सी, कुछ बच्चों ने फॉरन जाना सी, उहदे लई ट्रांसक्रिप्ट चाहिदी हुंदी है तो उहदे लई बॉन्ड ब्रेक करना पएगा, उहदी भी असीं इहनां नूं एप्लीकेशन दित्ती कि ठीक है जे तुसीं जॉब नहीं दे सकदे तां साडा बॉन्ड क्लीयर करो, सानूं ट्रांसक्रिप्ट दो। उहदे तों PGI वल्लों आंसर सी कि नहीं, तुसीं बॉन्डेड हो, असीं तुहाडे डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसक्रिप्ट असीं तुहानूं नहीं दे सकदे 6 मंथ बाद, क्योंकि असीं तुहानूं नहीं जाण दोंगे, असीं तुहानूं इत्थे ही जॉब ते रखेंगे। ते हुण जद साडा बॉन्ड ऑलमोस्ट खत्म होण ते आया, कल खत्म हो जाएगा, ते हुण इहनां ने डायरेक्टर ने एक स्पीकिंग ऑर्डर कढ़िया जिहदे विच उहने साडी जो प्ली है वो डिनाई करती है कि नहीं थोनू मैं जॉब नहीं दूंगा। तो पहली गल तो 6 मंथ से साडा बहुत टाइम वेस्ट होया, असी ना कि होर अपलाई कर सकते सी, ऑल ओवर इंडिया मोर दैन 30-40 एग्जाम्स निकले से जिन्हों में असी अपलाई कर सकते सी, सिर्फ PGI दे बॉन्ड करके साडा टाइम वेस्ट होया, असी उत्थे भी नहीं अपलाई कर पाए, ना असी कि होर अपलाई कर पाए, सिर्फ PGI करके ही। तो ये जिहड़ी बॉन्ड की कॉल है ये भी PGI दी सीगी, साडा कॉलेज जो बनया वो इसी परपज़ नाल बनया कि जो ट्रेनड स्टाफ है PGI
पीजीआई ही रखेगा कि सानू उस हिसाब नाल ही ट्रेनिंग दिंदा है। 4 साल सानू 12 आवर्स काम कराउंदे आ, असीं पेपर भी दिंदे आ, बहुत मतलब सब तो बहुत एक्सट्रीम है काम करवाउंदे आ, सिर्फ इस करके कि सिर्फ जॉब लई प्रिपेयर हो जाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਲੋਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੈਚ, ਹਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੈਚ ਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੌਬ ਕੇ ਲਈ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਹੈ। ਸਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਹੈ, ਅਬ ਜੈਸੇ MBBS ਕਹੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਮੇ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਵੀ ਪੂਰੀ 5 ਸਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉਨਕੀ ਵੀ ਲਗੇਗੀ ਤੋ ਸਾਲ ਮੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਲਗੇਗੀ ਤੋ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਊਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ 4 ਸਾਲੋ ਸੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੇ ਹਮ 8-1 ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਤੇ ਥੇ, 2-5 हम लोग क्लासेस लगाते थे, और जब हम 4th ईयर में हुए तो हमारी 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी लगना शुरू हुई, मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट्स, और हमने इवन डे शिफ्ट्स भी 12-12 घंटे की करी है बीच में। हम सिर्फ 1-2 हमें ब्रेक मिलता था और फिर हम दोबारा आते थे, मतलब हमने एक टाइप से जो स्टाफ 6 घंटे की एक दिन में शिफ्ट करता है, हमने एक दिन में डबल शिफ्ट करी है। और सर दूसरी बात ये कि नाइट ड्यूटी भी हमारी लगाई, सब कुछ हमने किया, सिर्फ ये कह के कि आपको ठीक है जॉब मिल रही है, जॉब मिल रही है, तो हर चीज़ हमने यही करके करी भी है, सही भी है बहुत सारी चीज़ें कि सिर्फ जॉब मिल रही है तो चुप करके कर ली। पर अब सर जो पानी है वो सर के ऊपर से जा चुका है, इन्होंने 6 महीने से हमें सिर्फ ये चीज़ बोली कि आपकी फाइल प्रोसेस में है, हम दे रहे हैं, आज हो जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, फेब के एंड में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा हमारी बस कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अप्रूव होनी है, और उसके बाद जो है आपको जो हम इशू कर देंगे। और इवन इन्होंने अप्रैल एंड में तो ये भी कह दिया था कि बस 1-2 दिन में आपका जो लेटर है वो इशू हो जाएगा, लेकिन जब हमारी पेशेंस ने जवाब दे दिया, हम इनसे 6 महीनों से जवाब मांग रहे हैं और ऑलमोस्ट 9th मंथ लग गया, तो अप्रैल में हमने 3 अप्रैल को तब हमने कैट में जो है केस फाइल कर दिया इनसे जवाब लेने के लिए कि हमें क्लियर कट जो है आपका आंसर चाहिए। और जिसकी भी शुरू की 5 हियरिंग्स में इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया कोर्ट में, इनके पास कोर्ट में एक ही आंसर था कि अभी कोई रिस्पांस नहीं है, कोई जवाब नहीं है। एंड 15 मई को जो हियरिंग हुई थी उसके बाद जो है कोर्ट ने, कैट ने इनको एक नोटिस भेजा था कि एनेक्स्टर 7 के अंडर जिसमें इन्होंने 2021 वाले बैच को रिक्रूट किया है, अगर ये चाहें तो 22 मई एक और हियरिंग की डेट मिली थी कि उससे पहले जो है इन बच्चों को आप रिक्रूट कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्टर पे छोड़ दिया था। एंड इवन 16 मई को ही हियरिंग के अगले दिन जो थे काफ़ी बच्चे डायरेक्टर से मिलने गए थे, एंड स्टिल डायरेक्टर सेड के मतलब जॉब जो है हम आपको देंगे, आप तो हमारे स्टूडेंट्स हो, हमारी मैन पावर है, हम आपको नहीं जाने देंगे, है ना। एंड पूरे हफ्ता इन्होंने निकाल दिया ये करके। और 22 को हियरिंग थी अभी मंडे को, तो इन्होंने क्या किया कि 20 मई को सैटरडे को इन्होंने शाम के टाइम वो स्पीकिंग ऑर्डर निकाल दिया, और जब वो 22 को भी इन्होंने हियरिंग में प्रेजेंट करा तो जज के बेंचेस ने भी यही कहा कि जो स्पीकिंग ऑर्डर है आपका वो आप अपने में ही जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, और अगर जो ये रिक्रूटिंग रूल्स चेंज की बात कर रहे हैं तो वो 19 में हुए हैं और हम 18 में आए हैं, 2019 में चेंज हुए हैं और हम 2018 में बॉन्ड फिल करके आए हैं, तो वो हमारे ऊपर जो है अप्लाई नहीं हो सकता। और 2019 के बाद भी जितने नए बैचेस आए हैं उनको इन्होंने रिक्रूट भी करा है जॉब के लिए, और जो कॉलेज में आए हैं उनको इन्होंने बॉन्ड भी फिल करवाया है। अगर इनके रूल्स चेंज थे तो ना तो इनको फिर बॉन्ड फिल करवाना चाहिए था हमारे सीनियर्स को। वही सर, उसी के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं आज, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण तो होगा कि सर हम अब अंदर की बात है, हम नहीं कि हम क्या बोल सकते हैं, हम तो जाते थे ऑफिस पूछने। और सर ये होता है ना कि ये समझ लेते हैं कि बच्चे हैं, लड़कियां हैं, खासकर लड़कियां करके ये डोमिनेट कर देते हैं, ढंग से जवाब भी नहीं देते। लड़के होते तो इनको पता है कि वो थोड़े अग्रेसिव भी हो जाते, कुछ बोल देते, लड़कियां क्या ही बोलेंगी, ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी तरफ हम जहाँ इंडिया में आज सब जगह बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पहले लड़कियों को लाते हैं, उनको बॉन्ड कर देते हैं, ना उनको कहीं जाने के लिए लाइक छोड़ते हैं, और अब अगर जॉब देने से भी हमें ये मना कर रहे हैं, अब ये बिल्कुल ही एंड में यू टर्न मार रहे हैं। 10-10 घंटे तुसी जॉब करते रहे हो इथे, 12-12 घंटे काम कर दिया, कोई स्टाइफंड, कोई पैसे मिले जिसमें पीएचडी स्कॉलरशिप मिल रही है। जैसे हमारा जैसे बॉन्ड होता है ना जब हम फिल करके आते हैं, तो उस टाइम ये था कि पूरे 4 साल हमें पर मंथ 500 रुपीज मिलेगा, तो वो हाँ पर मंथ वो उस बॉन्ड में था, लेकिन लास्ट तो मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होगा। हाँ जी सर, वो भी इंक्रीज हाँ फिर सर जब लास्ट ईयर 14 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट से एक ऑर्डर पास हुआ था, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया, पीजीआई, कि जो इंटर्नशिप वाला जो 3.5 साल वाला है 500, वो तो 500 ही था, पर इंटर्नशिप जब बच्चे करेंगे तो 500 से वो जो स्टाइफंड अमाउंट है वो रेज होके हो जाएगा 13,500 पर पर्सन। तो वो
जो ऑर्डर था वो इमीडिएट इफेक्ट लिख के आया था लास्ट ईयर जुलाई में 2022 में 14th को, और हमारे तब 2 महीने रहते थे इंटर्नशिप के, तो उस हिसाब से हमारे 2 महीने के एक बच्चे के हो गए 27,000 रुपीज, और अगर 95 का बैच था तो वो सारा होता है 25,65,000 रुपीज। तो वो अभी तक हमारा प्रोसेस नहीं किया गया है, और जो पैसे भी नहीं मिले, हाँ, वो प्रोसेस नहीं हुआ है हमारे 2 मंथ्स का। और जो अभी के करंट इंटर्न्स हैं जिनको 3 मंथ्स हो गए इंटर्नशिप में, तो उनका भी 3 मंथ्स का वही 13,500 जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। हमारा ही नहीं हुआ पिछले साल का, तो उनका भी नहीं हुआ। कितने के बच्चे को टोटल थोड़ा पता है सर? जो पास आउट बैच है वो 95 का हमारा बैच है जो कि ऑलरेडी रिस्क पे है, और उसके अलावा सर फर्स्ट 4 ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो भी हमारे साथ भी इंक्लूडेड है। 300-400 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट। अच्छा, मान लो जे तुम्हारी मांग जी तुम कर रहे हो नहीं मानते प्रोसेशन, की प्लान आगे? सर अभी तो हम लड़ने का ही प्लान है, प्रोटेस्ट का ही। किस रूप से होगा प्रोटेस्ट? सर ऐसे ही हम लोग जिस भी तरह से हम जैसे आज बैठे हैं, अगर हमें कंटिन्यू भी करना पड़े, वीकली करना पड़े, एक पर्टिकुलर इंटरवल में करना पड़े, तो हम करेंगे। क्योंकि सर अगर देखो हमारी जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी मिली है कोर्ट से, वो मिली है हमें 6 जुलाई को, और उसमें भी हमें पक्का पता नहीं है कि फैसला आएगा कि नहीं आएगा, आगे फिर डेट मिल जाएगी। हमारा तो ऑलमोस्ट 1 साल खराब हो गया, तो अब हम 6 जुलाई का वेट तो कर ही सकते हैं, पर साथ के साथ हमें ये भी करना है क्योंकि कल हमारा बॉन्ड पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है। और सर ये जेन्युइन है, हमारा हक है, आज तक ये हो रहा है, हमने नहीं इनको बोला था एडमिशन के टाइम पे, हम तो बच्चे होते हैं 18 इयर्स में सब यहाँ आते हैं, तो हम तो बच्चे थे, बॉन्ड की कॉल इनकी थी, तो अब ये कैसे बोल सकते कि बॉन्ड वैलिड नहीं है या हम नहीं मानते बॉन्ड को, तुम्हें हम नहीं देंगे, ये तुम्हारी ही कॉल थी, तो अब तुम कैसे पलट सकते हो? तुम ये हमारा जेन्युइन हक है, इसमें हमारा कोई गलत नहीं है, इसके लिए हमें जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। तो देखिए तुसी गलबात सुनी कि किस तरीके नाल वो बच्चे जिहड़े तकरीबन 4-4, 5-5 सालों तो बॉन्ड होए हुए है यूनिवर्सिटी दे विच, इस पीजीआई दे विच, कि इस बॉन्ड दे विच इन्हां नूं अश्योरिटी दवाई गई सी कि कोर्स करन तो बाद तुहानूं डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब जिहड़ी दित्ती जाऊगी, पर अज पल्ला झाड़ लिया जांदा। तां सवाल है कि बाकी सरकारां ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ।